हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं सुरनकोट में हूँ। आज का दिन हमारा सुरनकोट में गुजरने वाला है। तो विलास ने कॉल करी थी मेरे को। इसी जैकेट लगाना मुझे बहुत बड़ा रफड़ लगता है, तो क्यों ना हम जल्दी जल्दी लगा देते हैं इसको यार। ठीक है, ये तो लग गया इतनी जल्दी जल्दी। तो अभी मैं उठा था कुछ देर पहले, अभी मेरे फेस का बहुत बुरा हाल हो रहा है। विदाउट एनी फर्दर टू पहले चल के हम फेस वॉश करते हैं, तो ब्रश करते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर से चल के रोटी लाएंगे। आज यहाँ पे बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है फुलके, क्योंकि आटा नहीं गूंदा और आज बहुत ज़्यादा आलस भी आ रहा है। साथ में मेरी आंखें देख सकते हो सूजी हुई हैं, और मैं आज आलसी सा दिन है, सिर्फ ये बोल सकते हैं हम फिलहाल। और थैंक यू सो मच फॉर 1.9K सब्सक्राइबर्स। फॉर श्योर एक सरप्राइज़ मैंने प्लान करके रखा है, जैसे हम 10K सब्सक्राइबर्स हिट करेंगे और हमारी मोनेटाइजेशन एनेबल होगी। चलते हैं बाहर से चल के लाते हैं रोटी, और चाय मैं यहीं पे बनाऊंगा, पियेंगे। वैसे गाइस कमेंट करके बताना, एम आई द ओनली वन जिसको मुंह धोने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है। वैसे आंखें वैसी की वैसी सूची हुई हैं। गुड मॉर्निंग सुरनकोट। ऑब्वियसली शोर पहले से पड़ी हुई है। टाइम कितना मस्त वाला दिन होने वाला आज। छोटी सी मॉर्निंग वॉक हमारी तंग गलियों में। सुरनकोट की गलियों में ज़्यादा ठंड है यार। ऊपर ऊपर थोड़ी कम ठंड है, नीचे ज़्यादा ठंड है। धूप ही नहीं लगती पूरे साल। ब्रेकफास्ट डन। तो अभी कुछ कपड़े डाले हुए थे मैंने, रात को डाले थे एक्चुअली, 12 बजे कपड़े डाले मैंने धोने के लिए। तो वो निकालते हैं उनको, चलते हैं छत पे डालते हैं। चलते हैं हम कपड़े लेके छत पे डालते हैं। चलो कपड़े हम ना कुछ देर बाद डालेंगे, पहले मैं ना व्यू दिखा देता हूँ। देखो फिर से बर्फ़ पड़ी है, पर इस बार उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी। तो एकदम मस्त वाला वेदर हो रहा है आज, ना ज़्यादा धूप और ना ज़्यादा बादल। देखो अभी जाम लगा हुआ था, और जाम इनका ना बिना हॉर्न के क्लियर नहीं होता, सुनते जाना। देखो देखो कपड़े डाल दिए हमने, बाल्टी खाली होगी, चलते हैं अंदर। अभी यहाँ पे हॉर्न स्टार्ट हो जाएंगे। कपड़े धोने तो ऑल डन हो गया सारा कुछ, और मेरे हाथ इतने लाल लाल हुए, डोंट नो अगर वहाँ से दिखाई दे रहे होंगे या नहीं। और आज फुल डेट शीट भी आ गई, पहले सिर्फ जनरिक उर्दू और AECC उर्दू की आई थी इंटरनल असेसमेंट टेस्ट के लिए, अब पूरी की पूरी डेट शीट आ गई है। तो या वो भी देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि तब ना इंसान को पता ही नहीं होता कहाँ से क्या है कहाँ से क्या नहीं है लिखने के लिए। कल 26th of January है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सख्ती भी हो रही है। अगर हम कहीं पे भी जाएंगे तो हर जगह पे चेकिंग है, हर जगह पे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं, तो ये वो तो काफ़ी कुछ। अभी मेरी हालत ऐसी हुई जैसे मैं रोता रहा हूँ, पर आई स्वेयर गाइस मैं ज़रा सा भी नहीं रोया। पर हाँ मैं ऐसे रखता होता था बाल, पर अभी बिल्कुल मन नहीं करता है बाल ऐसे खड़े वड़े करने का, तो मैं मैक्सिमम ऐसे रख देता हूँ। मैंने एक दिन पहले एक व्लॉग में बोला था मैं, क्यों ना आज मैं मूवी देखूँ। तो उस दिन एक्चुअली मैंने एक मूवी स्टार्ट की, वो सिर्फ मैंने 5 मिनट की देखी हो, तो आज मैं थोड़ी देख पाऊँ, कर क्या करें यार, बीच में कभी कोई काम पड़ जाता है कभी कोई काम पड़ जाता है, तो इसलिए मूवी हमारी वहाँ की वहीं रह जाती है, दरी की दरी। 2 hours later बाय द वे, अभी हमारा बाहर जाने का प्लान हुआ था और शहजाद की कॉल आई थी, पर अचानक से बारिश आ गई है और मैंने कपड़े ऊपर डाले हुए हैं। तो पहले चलते हैं कपड़े अपने उतार के लाते हैं नीचे, जो सूखने के लिए डाले हुए थे। या डोंट माइंड। तो जैसे ही अचानक से बाहर आया मैं, बारिश हो रही है यार यहाँ, तो कपड़े भीग गए। वही यार, पे तो बड़ी तेज़ वाली बारिश आई हुई है, ये देखो इन्हीं तेज़ वाली बारिश है। और अगर 5 मिनट में बाहर नहीं निकलता फॉर श्योर मेरे कपड़े सारे के सारे भीग जाते। उठाते हैं कपड़े, इस साइड पे बिल्कुल धूप लग रही है ऐसा लग रहा है, उधर इधर बारिश आई हुई है, और गाड़ियों की शोर ऑब्वियसली कम नहीं होने वाली। सर अजान हो रही है पीछे, पर आपकी बाइक कहाँ पे आज? हमारी बाइक सर नीचे लगी हुई है। कहाँ पे लगाई है वे? वो शहजाद की दन्नो लगी हुई, अजान के बाद मिलते हैं। हमारा एक छोटा सा प्लान था फोटोशूट करने का विद द वन एंड ओनली शहजाद, पिंका इन द हाउस। यो गाइस, ये मैं पिंका भी कर दूंगा, ठीक है। ये देखो बाहर बारिश ने अचानक से हमारा सारा का सारा प्लान
चौपट कर दिया हमारे दिन पे, हमारे ब्लॉग पे बारिश ने पानी फेर दिया। बहुत बुरा फील हो रहा है। बारिश फिर गई यार हमारे जो है ब्लॉग पे। हाँ यार, एक्चुअली शहजाद के पास गाड़ी है पर इसने ठोक दी वो गाड़ी, बहुत बुरा हाल करके रखा उस गाड़ी का यार। अब बनवा रहे हैं वो गाड़ी, वो ठीक होगी तो उसके बाद गाड़ी लेके चला करेंगे, ठीक है। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ की ट्रिप होने वाली है हमारी भाई, जब गाड़ी ठीक होगी आएगी। अगले साल लद्दाख की ट्रिप होने वाली है, पहले तो बाइक राइड होगी उसके बाद जिप्सियों के साथ जाएंगे अपनी गाड़ी पे। अभी हम बाहर निकले थे थोड़ी सी छोटी सी एक राइड लेने के लिए शहजाद के साथ। ऑब्वियसली इसने आज मुझे मारना है, देखो। नहीं मारेंगे ब्रो, नहीं मारेंगे। भाई तू चल तो रहा है, हमने इसका नाम ड्रैगन रखा था। अब ये लोग बोलेंगे आमिर वाजिद वाली ड्रैगन से कॉपी है, लेकिन ऐसा नहीं है। डेफिनेटली ये बोलना है कि ये कॉपी है, पर ऐसा कुछ नहीं है यार। ये भी फ्लेम्स थ्रो करती है और वो भी तगड़े वाले। बहुत ज्यादा यार, और ऊपर से शोर, सही मजा ही है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है भाई। ये देखो यहाँ का फिलहाल का व्यू, वैसे उधर सच में बर्फ गिर रही है और वो आ रही है ऊपर से बहुत तेजी से, वो देख जरा 5-10 मिनट में इधर तक आ जाएगी। हाँ 10 मिनट में तो पहुंच जाएगी यहाँ पे। वैसे ये रोड बिल्कुल सिटी से साइड पे है तो यहाँ पे राइड करने का एक अलग ही मजा है। बाइक राइडर्स हैं वो भी, काफी सारे व्लॉगर्स भी हमारे व्लॉग देखते हैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी व्लॉगर्स हैं हमारे। एक्चुअली मैंने शहजाद को बोला था क्यों ना एक मोटो व्लॉगिंग चैनल खोला जाए। लाइक बाइक है और सिर्फ गोप्रो लेना है, तो फिर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इन्वेस्टमेंट की जाए या नहीं की जाए। आपसे आप सब हमारे लिए डोनेशन करें ताकि हम गोप्रो 010 ले सकें। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, फोन पे पेटीएम कैसे भी कर दें, कैसे भी कर। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। कोई नहीं, सुन हमारे पे अगर गाड़ी चलाने के लिए बनी है तो वो जिप्सी बनी है, है कि नहीं? 4x4 4x4 कोई भी गाड़ी लो, 4x4 लो, यहाँ पे वही कामयाब होने वाली है। ओ शिट, इस रोड की ये हालत है। अब हम ऑफ रोडिंग करेंगे। वैसे पता है मैं फर्स्ट टाइम आया था इस रोड पे आज। हाँ बहुत अच्छी फ्रेंड है उसका, करें यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे हमने लिया छोटा सा स्टॉप, बाइक वो हमारी धन्नो हमारे पीछे खड़ी हुई है और इसको ठंड लगी हुई है हद से ज्यादा, पर फिर भी बाइक तो चलानी है ना। बाइकर्स का ये होता है कि जो जैसा मर्जी माहौल हो पर बाइक चलाना इज लव फॉर अस। हाँ मैं भी बाइकों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इनफैक्ट गाड़ियों से ज़्यादा मुझे बाइकों का सफ़र बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम शांत सी लोकेशन है यहाँ पे सुनकोड़ में। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ टू बी ऑनेस्ट, वो भी शहजाद के साथ। ये देखो वाइब तो बहुत शांत सी आ रही थी, पर जैसे ही हम यहाँ पे आए एकदम से बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, पता नहीं क्या सीन है यार। और वो देखो वो ले रहा है फोटोज़ अपनी धनों के, आई गेस रील्स बना रहा होगा यार। एकदम से देखो कितनी तेज तेज गिरनी शुरू हो गई। जल्दी बैठ 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 भाई, अब तू राइड कर। नहीं मैं नहीं करने वाला, मेरे हाथ पहले से ठंडे। बारिश तेज हो गई और ये देखो पूरी की पूरी बर्फ हार्वेस्ट कर ली है मेरे बालों ने। वो हमारी धनों खड़ी हुई, ये शहजाद भाई, और इनके हाथों ने जवाब दे दिया कि यहाँ से आगे अभी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते ऐसी वाली बारिश में। ओके तो मैं पहुँच गया हूँ रूम में वापस। ये उतार के पहले साइड पे रखते हैं, लाइट आई हुई है पर लाइट ऑन करते हैं, उसके बाद अपने हाथ गर्म करते हैं और कुछ बनाते हैं खाने के लिए। लाइक देखो कितने लाल हो गए, ऑब्वियसली फुलके तो पकाने नहीं वाला इस टाइम में। वेल अभी बज रहे हैं शाम के, रात के 7, शाम के 7, और सारा कुछ मार्केट वगैरह बंद हो चुकी है एज यू गाइस कैन सी। और ये लाइटें कितनी प्यारी लग रही हैं ऊपर ऊपर जो जल रही हैं। और मैं गया था बाहर जाके दाल लेके आया हूँ बनाने के लिए, राजमा बनाएंगे आज। अंदर चल के फिल्म करते हैं, यहाँ पे लाइट बहुत कम है। ऐसे 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 घूमता रहा, आल दो बाहर बारिश और बर्फ भी गिरती रही, पर फिर भी हमने बाइक भी राइड करी, बैठ के बाहर गप्पे भी मारे, घूम भी लिए। लगाया हुआ है हीटर सेकते हैं और साथ साथ में अपनी वीडियो की एडिटिंग शुरू करते हैं। और मेरी आंखें जल रही हैं आज, पता नहीं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। आज कोशिश करेंगे हम जल्दी सोने की, रोज़ हम लगभग 1 बजे 12:30-1 बजे सोते हैं रात को। दैट्स इट, ये था आज का हमारा व्लॉग। और मैं कोशिश करूँगा यार क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज़ को, अपनी सिटी को, लोगों को, हर जगह को एक्सप्लोर किया जाए और लोगों के साथ बातें की जाएँ। और काफ़ी सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं मुझे पूछते रहते हैं कहाँ से हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो, तो आई एम फ्रॉम मेंडर तहसील अगर कहा जाए तो, पर यहाँ से जड़ा वाली गली से हमें सुरनकोट ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
घर से आने के बाद लिटरली इतना मैंने सोचा नहीं था कि हम ऐसा सारा कुछ जाएगा, पर अभी सारा कुछ मैं ना ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से, जैसे मैं चलाना चाहता हूँ, जैसा मैंने सोचा है, जैसा मैंने ड्रीम किया है।